अब मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब जेईई मेंस और नीट की परीक्षा साल में दो बार होगी। छात्र दोनों परीक्षाओं में बैठ सकेंगे या अगर चाहें तो एक परीक्षा को रैंकिंग के आधार पर भी एडमिशन ले सकते हैं। दोनों परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को उनके बेस्ट स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलेगा। जेईई मेंस की परीक्षा जनवरी और अप्रैल में होगी जबकि नीट की परीक्षा फरवरी और मई में होगी। ये परीक्षाएं राष्ट्रीय परीक्षा आयोग आयोजित करेगा। एक परीक्षा 4-5 अलग अलग दिनों में आयोजित की जाएगी। छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से परीक्षा की तारीख चुन सकेंगे। ये परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होंगी। एनईटी दिसंबर में होगी नेट परीक्षा, जेईई मेंस अब दो बार होगी। छात्रों की मांग थी है कि परीक्षा एक ही बार होती है, उस दिन कोई बीमार पड़ हुआ कुछ हुआ तो दूसरा मौका नहीं मिलता, एक साल जाता है। अब नहीं जाएगा, अब जनवरी में भी होगी और अप्रैल में भी होगी। छात्र दोनों परीक्षाएं दे सकता है या एक दे सकता है, जो उसका स्कोर होगा बेस्ट वो उसका पकड़ा जाएगा। और नीट की परीक्षा भी फरवरी और मई में होगी, तो हर परीक्षा का दो बार मौका मिलेगा छात्र को, जो पहले नहीं मिलता था। हर परीक्षा 4-5 दिन मल्टीपल डेट्स में होगी, 4-5 दिन होती रहेगी। कोई भी डेट स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत नई व्यवस्था है और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। परीक्षा लीकेज नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी।